Welcome back, my dear student. This is Srihari sir, and today we are going to get information about the concept of geography, that is local time. Most of the time you have heard that time is money, but with the period of time that thought is also changed, that time is more than money, isn't that? And actually time is the concept which is related with the appearance of the sun in the sky, hai na? Jo समय होता है वो दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम रहते हो तो उस एरिया में समय सेम होगा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। तो अलग अलग देश है, अलग अलग देशों में एट द सेम टाइम डिफरेंट टाइम हम एक्सपीरियंस करते हैं, है कि नहीं? और इसी बेस पे समय को हम अलग अलग तरीके से काउंट भी करते हैं। जैसे कि आज हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है लोकल टाइम। और एक और भी तरीका है जिसको हम टाइम को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और वो क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कि हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर टाइम को काउंट करने की बात होती है तो वो उसको हम GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम ऐसे भी कहते हैं। तो ये समय से रिलेटेड अलग अलग जो जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सो शुरुआत करते हैं लोकल टाइम से। माय डियर स्टूडेंट, लोकल टाइम इज द कंसेप्ट व्हिच इज रिलेटेड विद द अपीयरेंस ऑफ द सन इन द स्काई। लोकल टाइम वो समय होता है जिस समय एक हद पर्टिकुलर प्लेस पे हमें जो सन है वो जहां पे दिखाई देता है उसके उस लोकेशन के हिसाब से उस प्लेस पे जो टाइम होगा उस टाइम को लोकल टाइम कहा जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैं वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हूँ, वाशिम सिटी में हूँ, और इस सिटी में, सिटी हो गई ये वाशिम सिटी प्लेस। अब इस सिटी में सन का अपीयरेंस देखते हैं। अब इस सिटी में मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे सन जो है एग्जैक्टली अहेड ऑन माई हेड है, मेरे सर के ऊपर, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इट मीन्स दैट देयर इज ए नून, है ना? तो यहाँ पे क्या है, दोपहर है, और सूरज जब एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर है तो वहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं। सो एट दिस टाइम वेयर आई एम स्टेइंग एट वाशिम, दिस इज एक्सपीरियंसिंग द 12 o'clock, ओके? बट एट द सेम टाइम किसी और डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी और स्टेट में या फिर किसी और कंट्री में समय सेम होगा, ऐसे तो हम नहीं कह सकते, है ना? क्योंकि एट द सेम टाइम डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट कंट्रीज एक्सपीरियंस द सन्स अपीयरेंस इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं तो दुनिया के किसी देश में हो सकता है वहाँ पे टाइम डिफरेंट हो, या फिर किसी देश में नाइट भी हो सकती है, है ना? इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्लेस ऑन द अर्थ एंड लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ अर्थ एंड दिस इज अ पर्सन ऑन द अर्थ, हियर इज अ सन, ओके? तो ये सन है यहाँ पे और ये ईस्ट डायरेक्शन में अपीयर हो गया, तो सन राइज इन द ईस्ट, दैट्स व्हाई ये पर्सन की जो लोकेशन है यहाँ पे, है ना? तो इस लोकेशन पे ये सन क्या हो रहा है, राइज होते हुए दिखाई दे रहा है। सो हियर दैट पर्सन एक्सपीरियंस व्हाट, मॉर्निंग व्हेन सन मूव अहेड एट द नॉर्थ एग्जैक्टली। सो इफ द सन अपीयर हियर, सो हियर इज द नून एंड व्हेन सन कम टू दिस प्लेस, सो हियर इज द इवनिंग and when sun move down means that is not appear in the sky, so that is called night. So इस example से हमें इस बात का पता चलता है कि local time is completely dependent on the place and the appearance of the sun in the sky. ये हो गई एक बात के लिए। अब हमने local time को समझा कि जिस वक्त हमारे place के हिसाब से सन जिस डायरेक्शन में, जिस
लोकेशन पे हैं, वहां पे जो भी टाइम होगा वो क्या होगा, उसका लोकल टाइम होगा। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज में अगर हमें लोकल टाइम को कंपेयर करना है और उसको कैलकुलेट करना है तो वो से कैसे निकाला जाएगा। उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ ज्योग्राफिकल कंसेप्ट को यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा, तो हम उनको रिवाइज करते हैं। सो हम एक एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन दैट दिस इज अवर अर्थ एंड दिस इज द सर्कुलर, दैट्स व्हाई इट हैज हाउ मेनी डिग्री, ईच सर्कल हैज 360 डिग्रीज। तो ये जो सर्कल है, हमारी अर्थ है, उसको एक पूरा जो राउंड लेना है ना, अवर अर्थ रोटेट अराउंड इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड रोटेशन। तो हमारी अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करना है तो उसको कितने डिग्रीज में घूमना है, 360। ओके, तो एक रोटेशन करने के लिए, वन रोटेशन है ना, फॉर वन रोटेशन टू कंप्लीट 360 डिग्री अर्थ टेक हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स है ना, 24 आवर्स। एक पूरा अर्थ को राउंड लगाना है उसके साइड में तो उसको 24 आवर्स लगते हैं है ना, 12 आवर्स ऑफ डे, 12 आवर्स ऑफ नाइट, 24 आवर्स। तो एक आवर में, एक घंटे में अर्थ कितने डिग्री घूमती होगी, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 24 आवर्स है ना, 360 डिग्री डिवाइड बाय 24 आवर्स तो क्या आएगा, 24 15 जा, तो ये होगा 15 डिग्री। तो अर्थ जो है वन आवर में कितने डिग्रीज क्रॉस करती हैं, 15 डिग्री ट्रैवल करती हैं। ओके, एक घंटे में अर्थ क्या करती है, 15 डिग्री ट्रैवल करती है। अब एक आवर कितने मिनट्स का होता है, अब हम मिनट में देखेंगे, वन आवर क्या होता है 60 मिनट का, तो वो 60 मिनट में 15 डिग्री चल रही है। ओके, तो हम निकालते हैं एक मिनट में वो कितना डिग्री मूव करती है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिवाइड बाय 15, सो 15 फोर जा 60, तो क्या मिलेगा हमें, 4 मिनट। सो अर्थ को एक डिग्री आगे मूव करना है, सो इट टेक हाउ मेनी मिनट्स, 4 मिनट्स। अर्थ को एक डिग्री ट्रैवल करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, हर 4 मिनट के बाद अर्थ जो है एक एक डिग्री लॉन्गिट्यूड को पास करती है। ये 360 क्या है, हमारे अर्थ के ऊपर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स है ना, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक समय जाने के लिए कितना लगता है, 4 मिनट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश का लोकल टाइम अगर हमें कंपेयर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो हम देखेंगे अ कंपेयरिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज लोकल टाइम। सो माय डियर स्टूडेंट, वी आर हैविंग ए एग्जांपल एंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एग्जांपल वी विल लर्न हाउ टू कंपेयर द लोकल टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और एक जगह से दूसरे जगह का लोकल टाइम कैसे निकाला जाता है। हियर इज ए एग्जांपल, मशहद। ओके, मशहद इज ए टाउन इन ईरान, ये ईरान में का क्या है, एक टाउन है, विच इज लोकेटेड ऑन द 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कहाँ पे लोकेटेड है, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे लोकेट करता है। अब हमें टाइम निकालना है, वेयर इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। ग्रीनविच एक प्लेस है, कहाँ पे है, इंग्लैंड में है ना, इंग्लैंड में लंदन है, लंदन के पास ग्रीनविच सिटी है। तो इस सिटी का, इस सिटी पर से जो लॉन्गिट्यूड पास आउट होता है ना, उस लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस ना, सो दिस इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन का हमें टाइम दिया गया है, मतलब ग्रीनविच का जो टाइम है वो हमें दे दिया गया है, वो है 12 नून। यहां पे कितने बज गए हैं, दोपहर के 12 बज गए हैं। तो हमें टाइम निकालना है मस्जिद पे क्या टाइम होगा। अब एक बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी है, मैं हिंदी में इसीलिए बता रहा हूं कि जो भी आपको टाइम निकालना है, तो हमने वो जो 4 मिनट का
डिस्टेंस निकाला था बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड का, वो हमें ध्यान में रखना है. However, we move toward the east of the prime meridian. I repeat, however we move toward the east of the prime meridian, then we have to add 4 minute in each longitude. जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं और वहां की लोकल टाइम निकालने के लिए हमें उस कंट्री का, उस प्लेस का लोकल टाइम का लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, है ना. तो इसके लिए हमें ईस्ट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो 4 मिनट को ऐड करना है, अगर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें 4 मिनट उसको माइनस करना है. क्या करना है? माइनस 4 मिनट. ओके, तो इस बात को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं. अब देखते हैं, मैसेज टाउन इज लोकेटेड एट द 60 डिग्री. तो सबसे पहले अगर हमें लोकल टाइम निकालना है तो हमें उस लोकल प्लेस का लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए. तो दो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड हमें पता होने चाहिए. पहला है, ये हमें दिया गया है, कौन सा? ग्रीनविच प्लेस का, वो है 12 नून. ओके, 12 नून है मतलब 12 बज गए हैं वहां पे, और वहां का लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री. 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है इसीलिए उसको 0 डिग्री दिया जाता है. और जो भी मेरिडियन के नंबर है 0 से इधर काउंट होते हुए 1 2 3 4 180, और इधर से 1 2 3 4 180, ऐसे 180 प्लस 180, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं. जैसे कि हमने देखा था ना, 360 डिग्रीज होते हैं एक सर्कल के, तो अर्थ के भी 360 डिग्रीज हैं. तो ईच डिग्री हैज वन लॉन्गिट्यूड. अब यहाँ पे 0 डिग्री से लेके कौन सा है मैशेद का डिग्री कितना है, 60 डिग्री ईस्ट दिया है. तो हमें ईस्ट में जा रहे हैं हम, है ना. तो ईस्ट में हमें प्लस 4 क्यों करना है, क्योंकि यहां से पहले सूरज ईस्ट में निकल रहा है, तो पहले समय उधर आएगा, बाद में इधर सूरज आएगा. दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड दैट. सो वी विल कंपेयर दिस टू लॉन्गिट्यूड्स, 0 डिग्री टू 60 डिग्री. तो सबसे पहली बात, हमें दो लॉन्गिट्यूड के बीच में का डिफरेंस निकालना है. तो इसमें कितना डिफरेंस है, 60 में से 0 को माइनस करो, टोटल 60 लॉन्गिट्यूड्स. ओके, 60 लॉन्गिट्यूड हो गए, टोटल 60 लॉन्गिट्यूड हो गए. एक लॉन्गिट्यूड को पास होने के लिए कितना समय बताया था, 4 मिनट. सो यहां पे हमें 60 × 4 मिनट करना है. तो क्या बनेगा, 6 × 4 = 24, और ये 0 हमने यहां पे दे दिया, ये बन गए मिनट्स, है ना. मतलब ये प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच का है, और यहां पे जो मशहद सिटी है ना मशहद, इसका जो 60 डिग्री ईस्ट दिया था, तो इतना जो डिस्टेंस है, तो ये बना 240 मिनट्स का. अब इनको हम आवर्स में डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 60 करेंगे. तो 240 डिवाइड बाय 60 मिनट इज इक्वल टू 0 0 काट देते हैं, और 6 × 4 = 24, तो ये बन गए 4 आवर्स. कितने बने, 4 आवर्स. अब यहां पे टाइम क्या था, हमें मशहद का टाउन निकालना है, मशहद सिटी का, है ना. तो ग्रीनविच मीन टाइम पे टाइम जो दिया था वो 12 नून है. कितना है, 12 नून. तो 12 नून प्लस हाउ मेनी आवर्स करने हैं, 4 आवर्स. तो कितने हो गए, 12 के आगे 16. तो 16 मीन्स ये 24 आवर्स में का टाइम हो गया 16 आवर्स. हाँ, 16 o'clock. तो इसको हम अगर टाइम में निकाला है 12 के आगे 13 14 15 16, ऐसे तो काउंट करते हैं, लेकिन उसको 12 आवर्स क्लॉक में 12 1 2 3. तो क्या बना टाइम, 12 के बाद 4 आवर्स ऐड करो, 12 1 2 3 एंड 4, तो कितने बजे, 4. तो 4 बजे होंगे वहां पे, ये हो गया उनका टाइम. सो व्हाट विल बी द टाइम एट दैट प्लेस, सो देयर विल बी 4 PM, है ना. तो ये हो गया वहां का टाइम माय डियर स्टूडेंट. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस में का लोकल टाइम कंपेयर करते हैं और उस लोकल टाइम को कैलकुलेट भी करते हैं. तो फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू. सो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे ही नए नए टॉपिक्स को आसान लैंग्वेज में समझने के लिए और नए नए सब्जेक्ट की जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए. फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू.